नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं अचारी दम अरबी। आपने दम आलू खाए होंगे और अरबी की बहुत अलग अलग वैरायटी आपने बनाई होगी और खाई होगी। अरबी को हम कई तरीके से बनाते हैं, मसाला अरबी भी बनाते हैं, सूखी अरबी भी बनाते हैं, रेशे की अरबी भी बनाते हैं, लेकिन हम आज आपको एक अलग तरीके से अचारी अरबी बनाना बता रहे हैं। यहाँ पर हम अरबी को अच्छे से वॉश कर लेंगे और उनको हमने बॉईल कर लिया है। बॉईल आपको इस तरीके से करना है कि अरबी बिल्कुल भी गलनी नहीं चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा गलनी नहीं चाहिए, उसमें एक पॉइंट की कसर रहनी चाहिए। उसके बाद आप उन्हें छीलकर इस तरीके से लेंथ वाइज काट लें। आपको बहुत बड़ी अरबी नहीं रखनी है, एक अरबी में से दो टुकड़े कर लें, इस तरीके से आप काट लें। अब हमने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है जिसको हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें अपनी सारी अरबी डालकर इनको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। हमें इन्हें चलाते हुए जब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर एक क्रस्ट ना आ जाए और ये थोड़ी सी गोल्डन ना हो जाए। जब हम अरबी को फ्राई करेंगे तो जो इसमें 1% पकने की कसर थी, जो हमने उबलते टाइम रहने दी थी, वो इसमें पूरी हो जाएगी। हमारी अरबी अच्छे से फ्राई हो रही है। आप देखिए इस पे कितना अच्छे से एक गोल्डन कलर आ गया है और एक क्रस्ट की लेयर आ गई है, मतलब हमारी अरबी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब हमने इन्हें निकालकर अगेन कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लिया है लगभग 2 चम्मच। इसमें हमने आधा चम्मच मेथी दाना डाला है और आधा चम्मच ही हमने इसमें जीरा डाला है और आधा चम्मच ही हम इसमें अजवाइन डालेंगे। आपको मेथी दाना, जीरा और अजवाइन की सेम क्वांटिटी लेनी है। आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी गैस बिल्कुल सिम है, मसाले कितने आराम से धीरे धीरे पक रहे हैं। आपको गैस की फ्लेम इसी तरीके से रखना है और ऑयल का टेम्परेचर भी यही रखना है। अब हमने यहाँ पर एक बड़ा स्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर डाला है और एक बड़ा स्पून हमने इसमें सौंफ का पाउडर डाला है। ये पांचों मसाले बहुत ज़रूरी हैं इस सब्जी को बनाने के लिए, तो आप कोई भी मसाला स्किप ना करें। और इसमें आप मस्टर्ड ऑयल ही डालें क्योंकि हमने अचारी दम अरबी बनाई है, इसीलिए आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करें। अब हमने एक बड़ी प्याज ले ली थी जो हमने बारीक काट दी है और हम इसमें मसालों के साथ ऐड कर देंगे। मसाले भी प्याज के साथ धीरे धीरे भुनते रहेंगे। इसी स्टेज पर हमने यहाँ पे अदरक और गार्लिक को चॉप करके बहुत ही बारीक चॉप किया है, डाला है। अगर आपके पास पेस्ट है तो आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ कर लें। यहाँ पे हमारे पास एक फ्रेश रेड चिली थी जिसको हमने बारीक काट लिया है। अगर आपके पास ग्रीन चिली है तो आप वो डाल दीजिए। अब इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी और बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाल मिर्च काट के भी डाली थी, इसीलिए मिर्च की को आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। और यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के देगी मिर्च डाली है। जो देगी मिर्च होती है वो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, वो सिर्फ हम कलर के लिए डालते हैं। और इसी स्टेज पर हम यहाँ पर 1 चम्मच, बड़ा चम्मच भरकर बेसन डालेंगे। बेसन, मसाले और प्याज आराम से भूनते रहेंगे। आप गैस को बिल्कुल सिम रखिए, तीनों चीज़ आराम से भुन जाएंगी। बेसन को भूनने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, जो हमारी प्याज की गर्मी है वो ही बेसन को आराम से धीरे धीरे भूनता रहेगा। इसी के साथ हमने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली थी जिसको हमने थोड़ी सी कढ़ाई में भून लिया है। हमारी प्याज, मसाले सब भुन रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि आपका प्याज भुन गया है, आप यहाँ पर 2 टमाटर पीस कर डाल दें। अब आपको गैस की फ्लेम वही रखनी है जो आप शुरू से रखते आए हैं और आप टमाटर को अच्छे से पका लें, जब तक आपका टमाटर सारे मसाले में अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक। अब हमने इसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाला है और 1 चम्मच हमने इसमें किचन किंग मसाला डाला है। आप अच्छे से इसे भून लीजिए। और यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच दही डाला है। दही हमारा पतला था इसीलिए हमने 2 बड़े चम्मच लिया है, अगर आपका थिक है तो आप 1 बड़ा चम्मच लें। और हम मसाले के साथ ही और टमाटर के साथ दही को अच्छे से भून लेंगे। दही की क्वांटिटी आपकी इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपका टमाटर कितना खट्टा है। अगर आपका टमाटर ज़्यादा खट्टा है तो आप दही को कम डालें। अब हम ढककर अच्छे से इस ग्रेवी को पकाएंगे। ग्रेवी हमें जब तक पकानी है
जब तक आप चारों तरफ से आपकी जो ग्रेवी है वो ऑयल ना छोड़ दे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। जैसे ही हमारी ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया था तो हमने इसमें अरबी डाल दी है। आपको अभी ग्रेवी पतली नजर आ रही है क्योंकि हमने इसमें पानी डाला था। पानी आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दें, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा पतला ना बनाएं। ये दम आलू की तरह लिपटवा बनती है, इसीलिए ये भी थोड़ी लिपटवा बनेगी। आप सब्जी को ढककर ही पकाएं, क्योंकि ढककर क्या होता है, जो मसाले की खुशबू होती है वो बाहर नहीं निकलती और वो ढकने से सब्जी में ही इन्वॉल्व होती रहती है। हमारी सब्जी देखिए पहले कितनी पतली थी और ये पकने के बाद अच्छे से थिक हो गई है। आपको इसी स्टेज तक सब्जी को रखना है थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, क्योंकि जब सब्जी ठंडी होती है तो जो दही और बेसन होता है वो आपकी सब्जी को और भी ज़्यादा थिक कर देता है। इसीलिए हमें इसी स्टेज पर यहाँ पर गैस को बंद करेंगे और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म मसाला। गर्म मसाले को हम अच्छे से सब्जी में मिक्स करेंगे और सब्जी को ढक देंगे, जिससे जो गर्म मसाले की खुशबू है वो हमारी सब्जी में अच्छे से इन्हेंस हो जाए। हमारी टेस्टी सी अचारी दम अरबी बनकर तैयार हो गई हैं। बस आपको इसमें पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है। आपने हमेशा पूरियां पनीर की सब्जी के साथ, छोले के साथ या फिर आलू की सब्जी के साथ ट्राई करी होंगी, लेकिन आप कभी पूरियों को अरबी की सब्जी के साथ ट्राई कीजिए। आपको एक बहुत यूनिक डिश मिलेगी और बहुत ही टेस्टी डिश मिलेगी। आप इस सब्जी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको सब्जी कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।